पर्टिकुलर बेटे के लिए तो मैं ये कहूँगा कि उसने जो जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है वो दिखा पाई, लेकिन अकेली बेटी नहीं, पूरी टीम, सारी बेटियों ने, पूरी महिला हॉकी टीम ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया कि अपोजिट टीम को कहीं हावी नहीं होने दिया। ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर मिले और वो उनको स्विता सेव करने में कामयाब रही। पूरा डिफेंड जो डिफेंस उनका होता है वो आज बहुत ही सतर्क था, अलर्ट था, और इस वजह से मतलब वो कोई गोल नहीं कर पाई। इसलिए मैं पूरे डिफेंस और पूरी टीम को दिल से धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जस्ट अभी जब मैं बात कर रहा था उसी इन बिटवीन बात हुई है, तो शी इज़ वेरी हैप्पी और कहती है पापा आगे दो पड़ाव रहे हैं, वो भी हम पार करेंगे और फाइनल खेलेंगे पक्का। देखो खुशी का ऐसा होता है कि कोई पैमाना तो नहीं कि मैं आपको नाप के बता सकूं, लेकिन आज जो लगभग 18-20 साल की जर्नी होगी स्विता की हॉकी में, मेरे लिए आज सबसे बड़ा दिन है कि हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम इतना अच्छा खेल के आज उस मुकाम पे पहुंची है जिसने इतिहास रचा है, और उसमें स्विता भी भागीदार है और उसका भी आज एक मेन रोल रहा है हमारी टीम को विजय दिलवाने। उम्मीद पूरी है, हम भी आश्वस्त और टीम का भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, मोराल बहुत हाई है उनका, उनमें कहीं झिझक नहीं है। उनके पास कल अपनी रणनीति बनाने के लिए, रेस्ट करने के लिए कल का टाइम है उनके पास, तो जैसा उनके कोचेज और टीम मैनेजमेंट उनको जैसा गाइड करेंगे वो उसी हिसाब से खेलेंगे, और मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि हमारी टीम जो अब सेमीफाइनल होने वाला है परसों 4 तारीख को, उसमें भी जीतेगी और फाइनल खेलेगी, और फाइनल में भी उम्मीद करते हैं कि हमारी भारतीय महिलाओं की टीम गोल्ड लेके आएगी। देखो पुरुषों ने तो जो कमाल दिखाया है वो शायद महिलाएं नहीं दिखा पाई, क्योंकि महिलाओं की टीम शुरू में थोड़ी सी लड़खड़ाई थी, और भारतीय जो पुरुष टीम है उन्होंने एक मैच गंवाने के बाद में उन्होंने जो रिकवरी की, जो उन्होंने वापसी की और लाजवाब और उसी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं पूरे हॉकी परिवार यानी मेल फीमेल दोनों के लिए ये दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी दोनों टीमें ही अब की बार इतिहास रचेंगी और मेन और वीमेन दोनों टीमों के हमारे मेडल आएंगे।